Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and support our channel. आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. अ फार्मर बायज अ ट्रैक्टर फॉर 12,000 रुपीज. ही पे 6,000 कैश एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 500 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट. हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम. तो हमें बताना है कि टोटल कॉस्ट जो है वो फार्मर को ट्रैक्टर की कितनी पड़ती है. तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपका. देखिए 12,000 रुपीज का ट्रैक्टर है जिसमें से 6,000 रुपए फार्मर जो है वो डाउन पेमेंट कर देता है, यानी ऑन द स्पॉट दे देता है. बाकी के जो 6,000 रुपए है वो उसका लोन बना लेता है और उसकी किश्तें बना लेता है, इंस्टॉलमेंट बना लेता है. और वो इस 6,000 रुपए को 500 रुपए के टुकड़ों में डिवाइड कर देता है कि यार 500 करके दूंगा और क्योंकि डिले करके दे रहा हूं तो उस पर आपको इंटरेस्ट दे दूंगा. एक तरीके से उसने 6,000 को कितने में डिवाइड कर दिया, 500 में. तो अगर हमें ये निकालना है कि उसने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी बना ली हैं, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स निकालने के लिए आपको 6,000 को 500 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि वो 500 करके दे रहा है. तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 12 इंस्टॉलमेंट्स में उसका पैसा जाएगा. अब सवाल ये उठता है कि एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की होगी. तो देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अगर हम बात करें कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारे पास कितने रुपए की आएगी, तो देखिए पहले तो वो 500 रुपए लोन अमाउंट के देगा प्लस आपके पास इंटरेस्ट रेट दे रखा है 12%. तो 12% ऑफ जितना लोन उसका पेंडिंग है, तो अभी तो उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे 6,000 का लोन पेंडिंग है, तो कितने हो जाएंगे 500 प्लस 720, यानी उसकी जो पहली किस्त बन जाएगी वो 1220 रुपए की, यानी 1220 की बन जाएगी. फिर बारी आती है सेकेंड इंस्टॉलमेंट की. तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में भी वो 500 रुपए तो लोन अमाउंट के देगा और 12% देगा बाकी बचे हुए के. तो अब देखिए 6,000 का लोन था जिसमें से 500 रुपए की जो पहली इंस्टॉलमेंट थी प्रिंसिपल वैल्यू की वो चली गई. स्टूडेंट्स को लगता है मैडम हमारे 1220 रुपए गए, नहीं, जो आपने 720 रुपीज दिए वो तो आपको एक्स्ट्रा पे करने ही है क्योंकि आपने उसकी पेमेंट डिले करी है. जो लोन का अमाउंट है वो सिर्फ 500 से रिड्यूस होगा हर बार, राइट. ये तो इंटरेस्ट है, बाकी 12% यानी 720 तो आपका इंटरेस्ट है. तो आपका लोन अब कितना रह जाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद, 5500. तो जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगी उसमें आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे प्लस जो आपका आउटस्टैंडिंग लोन है 5500 उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 500 प्लस 660, यानी आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी 1160 रुपीज की. थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, सेम 500 तो हमें बेसिक देने ही देने हैं. अब हमारा लोन कितना रह गया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में हमने 500 रुपए और चुका दिए तो अब हमारा लोन कितना रह गया 5%. तो अब हमारा अनपेड कितना है, 5000 रुपीज है, तो इसके 600 रुपीज हो जाएंगे. तो 500 प्लस 600 हमारे अब रह जाएंगे 1100 रुपीज. अब देखिए हमको पता है कि ऐसा करते हुए हमारी 12 इंस्टॉलमेंट्स हैं. अभी फिलहाल हमने यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट निकाली हैं, ये काफ़ी हैं ये जानने के लिए कि कौन सा सीक्वेंस है. तो हमें इस चैप्टर में ये इसलिए करवाया जा रहा है ना कि हमें सीक्वेंस एंड सीरीज का बेनिफिट समझ में आए. तो अब देखिए ये बेनिफिट है इसका. अब आप ये जानना चाहते हैं बिना 12 इंस्टॉलमेंट्स जाने, सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट्स के बाद ही आप ये जानना चाहते हैं कि जो टोटल 12 इंस्टॉलमेंट्स आपकी गई हैं उसमें टोटल पैसा फार्मर का कितना गया है. तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि सीक्वेंस एपी है या जीपी है. तो देखिए अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें तो -60 आता है. सिमिलरली थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करें तो -60 आता है. इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या है आपके पास, एपी. अब एपी है और हमें इन सारी इंस्टॉलमेंट्स का क्या निकालना है, सम निकालना है. तो सम निकालने के लिए देखिए फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास यहाँ पर 1220, डी कितना है -60 और हमें पता है ये इंस्टॉलमेंट्स हैं कितनी 12. तो इसका मतलब हमें S12 निकालना है. और सम का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, सम का फॉर्मूला होता है यहाँ पर n/2 2a n-1d, राइट. नाउ n की वैल्यू है 12, तो 12/2 2 into a 1220 प्लस n-1 तो 11 into -60, राइट. तो ये हो जाएगा 6 विद इन ब्रैकेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 660 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1780. और अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 10,680 रुपए. तो इसका मतलब जो 12 इंस्टॉलमेंट्स हैं
उनके बदले में 12 इंस्टॉलमेंट का जो टोटल पेमेंट गया वो 10,680 रुपीज़ गया। यानी अगर हम फार्मर के प्रस्पेक्टिव से बात करें तो फार्मर ने जो है 6,000 रुपये, देखिए 12,000 रुपये अगर आप उस ऑन द स्पॉट खरीदते ट्रैक्टर तो 6,000 तो ऑन द स्पॉट दिए, बाकी के जो 6,000 रुपये बने उसकी किस्तें बन गई, और जब हमने किस्तों का पैसा टोटल किया तो वो बन गए 10,680 रुपये। तो इसका मतलब एक 6,000 रुपये की डाउन पेमेंट और ये 10,680 टोटल, इसका मतलब फार्मर को कितने रुपए पे करने पड़ गए, 16,680 रुपीज़। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर जो है फार्मर को कितना पड़ा, तो इट इज 6,000 प्लस 10,680, दैट मीन 16,680 रुपीज़। और अगर हमें ये पता करना है कि उसे टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, तो 16,680 में से आप क्या माइनस कर सकते हैं, 12,000 रुपये। अगर ये उसी टाइम खरीद लेता ट्रैक्टर तो 12,000 का पड़ता, लेकिन अभी से 16,680 का पड़ा, तो इसका मतलब 4,680 रुपये का फार्मर को क्या देना पड़ा, इंटरेस्ट पे करना पड़ा, राइट। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा बहुत भी डाउट है तो वो क्वेश्चन नंबर 14 से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, शमशेद अली बायज अ स्कूटर फॉर 20,000। तो शमशेद अली ने, बस ऊपर वाले क्वेश्चन में ट्रैक्टर था और यहाँ पर आपके पास स्कूटर है 22,000 का। ही पेज 4,000 कैश, मतलब उसने उसी टाइम 4,000 पे कर दिए, एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी हर साल उसने वादा किया कि मैं 1,000 रुपये प्लस उसका इंटरेस्ट दूंगा। देखिए, लोन तो 1,000 रुपये से ही कम होगा, है ना, 10% इंटरेस्ट तो आपको वैसे ही देना है। हाउ मच विल द स्कूटर कॉस्ट हिम, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अगर आप समझना चाहेंगे तो और क्लैरिटी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 13 की भी आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सेम सिचुएशन है, हमारे पास 22,000 रुपये का स्कूटर है और 4,000 रुपये डाउन पेमेंट कर दी गई, तो अब आपके पास रिमेनिंग कितना बचा, 18,000, उसका बना लिया गया है लोन और उसकी किस्तें बना ली गई। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो कितनी है, सबसे पहले वो जानना ज़रूरी है। तो इंस्टॉलमेंट्स कितनी हो गई आपकी, 18,000 रुपये बचे थे और आप 1,000 करके एक बार में पे करोगे, तो आपको कितनी बार पे करना पड़ेगा, 18 टाइम्स पे करना पड़ेगा, तब जाके आपकी 18,000 रुपीज़ जो हैं वो पे होंगे। तो इसका मतलब इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, 18, राइट। चलिए, अब बारी आती है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकालने की। देखिए, हमेशा याद रखिएगा जो इंटरेस्ट है वो आपका वेस्ट जा रहा है, लोन जो है वो सिर्फ बेस वैल्यू से उतरता है, विच इज़ 1,000 रुपीज़, और इंटरेस्ट तो आपको देना ही देना है क्योंकि आप डिले कर रहे हैं उस पेमेंट को, नहीं तो वो स्कूटर किसी और को बेच देगा जो उसको 22,000 अभी देगा। तो अगर आप डिले कर रहे हैं पेमेंट पर तो इंटरेस्ट तो आपको चार्ज होगा ही होगा। तो पहली इंस्टॉलमेंट कितने की आएगी, देखिए 1,000 प्लस 10% इंटरेस्ट जो लोन रहता है, तो लोन तो अभी पूरा 18,000 रहता है पहली किस्त के टाइम पर, यानी 1,000 हमें फेस वैल्यू के लोन के देने पड़ेंगे और 1,800 रुपये फालतू का इंटरेस्ट, मतलब एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इससे लोन कम नहीं होता कभी भी, लोन सिर्फ इस अमाउंट से कम होगा। तो हमारी पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी 2,800 रुपीज़ की। फिर बारी आती है सेकेंड इंस्टॉलमेंट की, तो उसमें भी हम 1,000 देंगे और 10% देंगे जितना हमारा लोन बचा है। अब देखिए, 18,000 का लोन था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमने उसमें से 1,000 उतार दिया, 2,800 नहीं, ध्यान रखिएगा 1,800 इंटरेस्ट है, उससे कभी लोन नहीं कम होता, राइट। तो आपके पास अब कितना रह गया, 17,000, तो यहाँ पर हमने लिखा 17,000, तो 17,000 का 10% कितना होगा, 1,700, तो 1,000 रुपये लोन के, 1,700 इंटरेस्ट के, तो हमें टोटल देनी पड़ेगी सेकेंड के 2,700 रुपये की, राइट। सिमिलरली थर्ड इंस्टॉलमेंट की अगर हम बात करें तो 1,000 रुपये तो हमें मेन देने पड़ेंगे, 10,000, अब 1,000 रुपये और कम हो गए इसमें से, तो अब कितने का लोन रह गया हमारा, 16,000 का, तो हमने यहाँ लिख दिया 16,000, तो 16,000 का 10% 1,600 हो गया, तो ये हो गया 1,000 प्लस 1,600, यानी 2,600 रुपीज़ की हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट हो गई। तो अब हमारे सामने यही सवाल है कि शमशेद अली को ये स्कूटर कितने का पड़ा, तो 4,000 तो वो पहले ही दे आए थे, अब हमें ये जानना है कि जो 18,000 रुपये उन्होंने लोन बना लिया है इसके टोटल पैसे उनको कितने पे करने पड़े। तो देखिए, पहली इंस्टॉलमेंट गई 2,800 रुपये की, दूसरी गई 2,700 रुपये की, तीसरी गई 2,600 रुपये की, ऐसी हमारी कितनी इंस्टॉलमेंट जानी है, 18। अब इस चैप्टर का क्या फ़ायदा है कि बिना 18 इंस्टॉलमेंट बनाए आप 18 इंस्टॉलमेंट्स का सम निकाल सकते हैं, और हमें यही करना है, हमें सारी इंस्टॉलमेंट टोटल करनी है कि कितना पैसा गया, पर पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस एपी है या जीपी है। तो आप देखिए, 2,700 में से 2,800 गए, माइनस 100 आ जाएगा, सेम माइनस 100, तो ये सीक्वेंस जो है ये क्या हो गया, एपी, बिल्कुल 13 क्वेश्चन की तरह, राइट। अब हमें क्या निकालना है, इसमें सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए ए हमारा कितना है, 2,800, डी हमारा है माइनस 100, और ऐसी कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं, हमने सबसे पहले निकाली हैं 18 इंस्टॉलमेंट्स। तो चलिए सम निकाल लेते हैं, सम का फॉर्मूला होता है n बाय 2
एन बाई टू, टू इंटू ए, तो इसको अगर हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5600। एन माइनस वन इंटू डी कितना है माइनस 100, तो ये हो जाएगा 9। 5600 माइनस 1700 हम लोग कर देंगे इसके अंदर और फिर उसे 9 से मल्टीप्लाई, तो 5600 माइनस 1700 किया और 9 से मल्टीप्लाई करा तो आ जाएगा 35100 रुपीज़। इसका मतलब जो 18 इंस्टॉलमेंट्स हैं उनका टोटल बन चुका है 35100 रुपीज़। यानी अगर बात करी जाए कि ये स्कूटर का कॉस्ट कितना पड़ा, कॉस्ट ऑफ स्कूटर फाइनली कितने का पड़ा, तो 4000 रुपये तो स्टार्टिंग में दिए गए थे और ये सारी किश्तें मिलाकर, सारी इंस्टॉलमेंट मिलाकर 35100 की हो गई। इसका मतलब आपके पास 39100 रुपीज़ का ये स्कूटर पड़ा, जबकि अगर आप उसी टाइम बाय करते तो ये 22000 का पड़ता। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इंटरेस्ट अब तक कितना दिया है, तो 39100 में से 22000 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट निकल आएगा, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। काफी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू फोर ऑफिस फ्रेंड। ही आस्क ईच वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर एंड मेल टू फोर डिफरेंट पर्सन दैट दे मूव द चेन। इट कॉस्ट 50 पैसा टू मेल वन लेटर। फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज व्हेन 8 सेट ऑफ लेटर इज मूव्ड। तो हमें ये निकालना है कि जब आठवां सेट गया तब कितना पैसा खर्च हो चुका था। अब देखिए सिचुएशन क्या है, इसे डायग्रामेटिकली समझते हैं, उसके बाद थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा हो जाती है इस क्वेश्चन में। अगर हम बात करें तो ये एक पर्सन है ए, इसने चार लोगों को यहाँ पर लेटर सेंड किया, राइट। फर्स्ट लेटर, सेकेंड, थर्ड। तो जो फर्स्ट सेट था उसमें कितने लेटर फॉरवर्ड हुए, 4 लेटर फॉरवर्ड हुए, राइट। अब इसने ये इंस्ट्रक्शन दी है कि मैंने तुम्हें लेटर लिखा है, तुम आगे इस चेन को कंटिन्यू करना, तुम भी चार लोगों को लिखना। यानी ये जो पर्सन है ये फर्दर चार लोगों को लेटर लिखेगा, राइट। ये पर्सन भी फर्दर चार लोगों को लेटर लिखेगा, ये पर्सन भी फर्दर चार लोगों को, ये भी चार। इसका मतलब ये जो फोर हैं ये अपना 4 टाइम्स कर देंगे, यही मतलब हुआ ना। हर एक इंसान अपना 4 लेटर लिखेगा, तो इसका मतलब 4 × 4 हो गया सेम। अब जो सेकंड सेट है उसमें कितने लेटर्स गए, 16 लेटर्स गए, है ना, क्योंकि इसने 4 लेटर भेजे, इसने 4 लेटर भेजे, इसने 4 लेटर भेजे, इसने 4 लेटर भेजे। अब जो ये वाला पर्सन है ये 4 लोगों को भेजेगा, यानी जो ये 16 लोग हैं ये भी फर्दर हर बंदा, एक बंदा 4 लोगों को भेजेगा, तो ये 16 लोग 4 लोगों को भेजेंगे तो कितने लेटर्स भेजेंगे ये लोग, 64 लेटर्स भेजेंगे। और इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा, क्लियर। देखिए फर्स्ट पर्सन ने 4 लेटर भेजे थे, वो 4 लोग को ये बोला गया कि हर इंसान एक लेटर भेजेगा, तो अगर एक इंसान 4 लेटर भेजेगा तो ये 4 लोग कितने भेजेंगे, 4 × 4। नेक्स्ट स्टेज में आपके 16 लोग हो गए। अगर 16 लोगों को ये बोला गया कि एक पर्सन 4 लेटर भेजेगा तो 16 लोग कितने लेटर भेजेंगे, दैट इज 64, क्लियर। तो हमें सबसे पहले ये जानना था कि कितने लेटर्स जो हैं इस स्टेज में भेजे जा रहे हैं। तो फर्स्ट सेट में हमारे पास कितने लेटर भेजे गए, फर्स्ट सेट में मेल्ड लेटर, फर्स्ट सेट लेटर्स मेल्ड, नंबर ऑफ लेटर्स मेल्ड, ठीक है, कितने हो गए 4। फिर सेकंड सेट में आपने कितने लेटर मेल करे, दैट इज 16। ऐसे ही थर्ड सेट में आपने कितने करे, दैट इज 64। तो ये जो सीक्वेंस है ये लेटर का सीक्वेंस है, पहली स्टेज में 4 लेटर गए, फिर 16 लेटर गए, फिर 64 एंड सो ऑन। बट हमें जो यहाँ पर अमाउंट निकालना, जो सीक्वेंस निकालना है वो अमाउंट स्पेंट का निकालना है, और हमें ये बताया गया है कि एक लेटर के 50 पैसे लगते हैं। तो अगर 4 लेटर भेजे गए हैं, एक लेटर के 50 पैसा लगता है, 50 पैसा का मतलब कितना होता है, हाफ रुपीज़, है ना। अगर एक लेटर के हाफ रुपीज़ लगते हैं तो 4 लेटर के कितने लगेंगे, तो सीधा इसे 50 पैसा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम 16 लेटर के कितने लगेंगे, 50 पैसा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 50 पैसा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब आपके पास पहले सेट में 2 रुपये खर्च होंगे जब ए ने लेटर भेजा था, फिर सेकंड स्टेज में आपके 8 रुपये खर्च होंगे, फिर आपके 16 रुपीज़ खर्च होंगे एंड सो ऑन। अब आपसे ये पूछा गया कि टोटल 8 सेट जब गए तो कितना पैसा मेल पर खर्च हो चुका था, यानी आपको 8 तक का क्या निकालना है, सम निकालना है। बट सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो सीक्वेंस है ये एपी है या जीपी है। तो देखिए डिफरेंस तो सेम नहीं है, हाँ कॉमन रेशो ज़रूर सेम दिख रहा है आपको, जिसमें फर्स्ट टर्म आप कह सकते हैं 2 एंड कॉमन रेशो इज़ 4, क्योंकि 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 4 एंड 16 डिवाइडेड बाई 8 इज़ 4।
और हमें ये भी पता है कि एन यहाँ पर कितना है 8, और हमें सभी पर हुए खर्चे को टोटल करना है, क्योंकि देखिए फर्स्ट सेट में 2 रुपये खर्च हुए थे, फिर 8 रुपीज़ खर्च हुए, फिर 16 रुपीज़। उसने आपसे पूछा 8th सेट ऑफ लेटर जब भेजा गया तो कितना अमाउंट स्पेंड हो चुका था इन टोटल, तो आपको निकालना है S8। और यहाँ पर सम का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि R ग्रेटर देन 1 है तो हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, दैट इज ए आर की पावर एन माइनस वन आर माइनस वन, ये आर ग्रेटर देन वन का है, तो ये हो जाएगा S8 इज इक्वल टू 2, 4 की पावर 8 माइनस वन दैट इज 4 माइनस वन, तो ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा आपके पास 65536 माइनस 1 अपॉन 3, इसमें से 1 माइनस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 43690 रुपीज़ जो है वो टोटल खर्च हो जाएंगे जब 8th सेट ऑफ लेटर जो है वो मेल किया जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अ मैन डिपॉजिट 10,000 इन अ बैंक एट अ रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिट द अमाउंट, ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसका सीक्वेंस बनाने की कोशिश करें तो फर्स्ट ईयर में उसने कितने रुपये डिपॉजिट करे, 10,000 रुपीज़, तो फर्स्ट ईयर के एंड में उसके कितने रुपये हो जाएंगे, 10,000 पर सिंपल इंटरेस्ट लग जाएगा, तो 10,000 का अगर हम 5% करें तो ये 500 रुपये होता है, और सिंपल इंटरेस्ट की एक खासियत होती है कि हर बार सेम अमाउंट ही लगेगा, तो अगली बार उसके कितने पैसे हो जाएंगे, 10,000 में 500 ऐड हो जाएंगे, यानी उसके पास नेक्स्ट ईयर में 10,500 रुपीज़ हो जाएंगे उसके बैंक में, फिर नेक्स्ट ईयर 500 रुपये का इंटरेस्ट लग जाएगा, तो 10,500 में फिर 500 रुपये ऐड हो जाएंगे, तो कितने रुपये हो जाएंगे उसके बैंक अकाउंट में, 11,000 रुपये, राइट। अब हमारा ये सीक्वेंस बन चुका है, अब हमें पहचानना है कि ये सीक्वेंस एपी है या जीपी है, तो आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पर ए कितना है आपके पास 10,000 एंड कॉमन डिफरेंस है आपके पास 500 रुपीज़। अब आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा, फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर। देखिए ये उसको फर्स्ट ईयर में मिल जाता, अगर वो फर्स्ट ईयर में वापस ले ले, ये सेकंड ईयर में मिलेगा, ये थर्ड ईयर में मिलेगा, अब वो बोल रहा है कि 15th ईयर में उसको कितना मिलेगा, तो आपको A15 निकालना है, राइट। तो वो गया A+14D, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है AN का, अगर हम AP की बात करें तो A+N-1D, राइट, तो वही फॉर्मूला हमने लगाया है। तो अब देखिए A की वैल्यू है 10,000, 14 × 500 दैट इज 7,000, तो ये हो जाएगा 17,000 रुपीज़, क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा इसका सेकेंड पार्ट, ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर। अब ये टोटल अमाउंट देखकर जनरली हम लोग यहाँ पर सम निकालने खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये इस क्वेश्चन में गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर आपने खुद बैंक में 10,000 रुपये जमा कराए हैं, तो अगर मैं बोलूँ सेकंड ईयर में आपको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, तो इट इज़ नॉट 10,000 + 10,500, ये तो भाई बैंक ही लूट जाएगा, क्योंकि आपने 10,000 जमा कराए, 500 रुपये बैंक ने इंटरेस्ट दिया, आपको बैंक 10,000 वो वाले और 10,500 दोनों थोड़ा ना देगा, ये टोटल अमाउंट ही तो है सेकंड ईयर में 10,500 जो आपने जमा कराया था प्लस आपका इंटरेस्ट। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 3 सालों में उसको टोटल कितना मिलेगा, तो आप इन तीनों अमाउंट को टोटल थोड़ा ना कर देंगे, 10,000 रुपये 30,000 हो जाएं, ऐसा कोई इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहा बैंक, राइट। तो अगर हम पूछें कि यहाँ पे टोटल अमाउंट, तो ये टोटल अमाउंट ही है ऑलरेडी, अगर हम पूछो थर्ड ईयर में उसको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, तो 11,000 मिलेगा, ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट ही है। अब ध्यान से सुनिएगा, इससे पिछले क्वेश्चन में हमें ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे सम नहीं निकालना है, यहाँ पे टर्म ही निकालनी है, क्योंकि जो टर्म है वही अपने आप में टोटल अमाउंट है, पहली बात। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर, यानी 15th ईयर में उसे कितना मिलेगा, तो आपने A15 निकाला, लेकिन यहाँ पर लिखा है 20 साल के बाद कितना मिलेगा, यानी 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो 20 साल का इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए ना उसको, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 21st ईयर में वो पैसे निकलवाएगा, तो 21st ईयर में उसे कितना मिलेगा वो हमें बताना है, तो वो जाएगा A+20D, तो 10,000 जो उसके मेन अमाउंट है और 20D मतलब इंटरेस्ट। तो देखिए बेसिकली हम इसको ऐसे पढ़ें कि 10,000 तो उसको मिलेंगे जो उसने जमा कराए, बाकी 20 टाइम्स उसको 500 रुपीज़ मिल जाएगा, है ना, क्योंकि 500 सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि 500 रुपये हर साल उसके ऐड होते जाएंगे, और क्योंकि वो 20 साल वेट करेगा तो 20 साल × 500 कर दिया जाएगा, तो वो इंटरेस्ट हो गया, बाकी 10,000 उसके नॉर्मल है, तो उसे कितने रुपये मिल जाएंगे, 20,000 रुपये, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अ मैन्युफैक्चरर रेकन्स दैट वैल्यू ऑफ मशीन विच कॉस्ट 15,625 विल डेप्रिशिएट ईच ईयर बाय 20%, फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, है ना, तो 5वें साल में उस मशीन की वैल्यू कितनी रह जाएगी। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर के एंड में ये मशीन कितनी रह जाएगी, फर्स्ट ईयर के एंड में, तो देखिए 15,625 की तो बिगिनिंग में होगी ना साल के,
एंड तक तो ये 20% यूज हो जाएगी, तो इसमें से इसका 20% क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी 15625 तो ये बिगिनिंग में थी, इसका हमने 20% निकाला तो ये आ रहा है 3125, इससे रिड्यूस होके फर्स्ट ईयर के एंड में ये मशीन रह जाएगी 12,500 रुपीज़ की। सेकेंड ईयर के एंड में ये मशीन कितने की रह जाएगी, अब देखिए सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में कितने की है, 12,1500 की, फिर 20% क्योंकि यूज कर लोगे तो उस पर और डेप्रिशिएट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब 12,500 की बिगिनिंग में थी, 20% आपने और यूज कर लिया 2500, तो अब ये रह गई 10,000 रुपए की सेकेंड ईयर के एंड में। सिमिलरली थर्ड ईयर के एंड में ये मशीन कितने की रहेगी, 10,000 की थी, माइनस 20% ऑफ 10,000 और हो गया आपके पास, तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 2,000, तो ये कितने की रह गई, 8,000 रुपए की। तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में हमारी मशीन इतने की रह गई, सेकेंड ईयर के एंड में हमारी मशीन की वैल्यू इतने रुपए की रह गई क्योंकि डेप्रिशिएट होती जा रही है, और इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो ये फर्स्ट ईयर के एंड में है, ये सेकेंड ईयर के एंड में है, थर्ड ईयर के एंड में। अब वो आपसे पूछ रहा है कि फिफ्थ ईयर के एंड में कितना होगा, यानी A5 पूछ रहा है आपसे, बट A5 GP का निकालना है या AP का, तो पहले देखना पड़ेगा हमें। तो आप देख सकते हैं कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब GP ही होगी, कॉमन रेशो सेम आएगी। तो फर्स्ट टर्म की अगर बात करें तो 12,500 हो गई, कॉमन रेशो कैसे निकलेगी, 10,000 डिवाइडेड बाय 12,500, ये दो जीरोस काट देते हैं, अब ये 25 के टेबल से कट जाएगा, दैट इज 4/5, और हमें क्या निकालनी है, A5 टर्म निकालनी है, तो ये हो जाएगा AR की पावर 4। नाउ A इज 12,500, दिस इज 4/5 की पावर 4। नाउ 12,500 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 256, एंड दिस इज 625, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 5120 रुपीस की जो मशीन है वो फिफ्थ ईयर के एंड में रह जाएगी, राइट। चलिए देखते हैं 18th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, वैसे तो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं लेकिन 15th क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। चलिए अब इसमें क्या कहता है आपको, 150 वर्कर्स वर एंगेज टू फिनिश अ जॉब इन सर्टन नंबर ऑफ डेज, तो 150 वर्कर लगाए गए थे कुछ डेज में काम करने के लिए, बट सिचुएशन थोड़ी बिगड़ गई और 4 वर्कर ड्रॉप आउट ऑन सेकेंड डे, 4 वर्कर सेकेंड डे छोड़ चले जाते हैं, 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप आउट ऑन थर्ड डे, तीसरे दिन और छोड़ के चले जाते हैं, और ये सीक्वेंस चलता रहता है, यानी हर दिन 4 वर्कर काम को छोड़ के चले जाते हैं, और इस वजह से काम को करने में 8 दिन ज़्यादा लग जाते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर एक ठेकेदार है वो एक कंस्ट्रक्शन का टास्क लेता है, उसने सोचा था 150 वर्कर लगा रहा हूँ तो 15 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, अब की सिचुएशन क्या हुई कि हर दिन 4-4 वर्कर छोड़ के जाने लगे, तो अगर उसने 15 दिन सोचे थे तो अब 15+8 यानी उसको ज़्यादा दिन लग रहे हैं। तो वही सिचुएशन हमें इस क्वेश्चन में दी है और हमें कहा है कि अब काम कंप्लीट होने में कितना जो है डेज लग रहे हैं वो निकालने हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, सिचुएशन वन अगर हम लें, सिचुएशन वन अगर प्रिवेल करती, यानी 150 वर्कर पहले दिन भी काम करते और 150 वर्कर सेकेंड डे भी काम करते, 150 वर्कर थर्ड डे भी काम करते, यानी वर्कर्स लेफ्ट नहीं करते, हर दिन अगर 150 वर्कर काम करते तो मान लेते हैं कि एक्स डेज में हमारा काम कंप्लीट हो जाता, ठीक है। सेम वही काम हमें दिया गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो एक ठेकेदार को बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने को दिया है कि भाई आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करिए, और उसने सिचुएशन ये सोची थी कि 150 वर्कर हर दिन काम करेंगे और एक्स डेज में मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, बट सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ गई, भाई ठेकेदार जो है वो थोड़ा रूड है, मैनेजर जो है थोड़ा रूड है। तो अब क्या हुआ कि पहले बार 150 वर्कर्स हैं और उसके बाद आपके पास 146 वर्कर रह जाते हैं, और उसके बाद आपके पास 142 वर्कर्स रह जाते हैं, और इसी वजह से सेम काम को करने में आपको अब कितने डेज लग रहे हैं, एक्स प्लस ए डेज। सेम काम है, वही काम है जो काम पहले दिया गया था, काम में कोई चेंजेस नहीं आए, अभी भी वही कंस्ट्रक्ट करनी है आपको बिल्डिंग, राइट। अब एक चीज दोनों में कॉमन है सिचुएशन में, कि दोनों में काम सेम कंप्लीट हुआ है, यानी एक फ्लोर बनाना था तो दोनों ही में एक ही काम हुआ है, एक फ्लोर बना है। तो अब ध्यान से सिचुएशंस में देखते हैं, क्योंकि हमें कुछ तो सिचुएशन बनानी पड़ेगी, क्वालिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी हम एक्स का आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए सिचुएशन वन की अगर हम बात करें, तो अगर सिचुएशन वन प्रिवेल करती तो ये काम कैसे कंप्लीट होता। देखिए एक फर्स्ट डे में 150 वर्कर होते, सेकेंड डे में भी 150 वर्कर होते, थर्ड डे में भी 150 वर्कर होते, अगर हम इन सबका सम करते तो देखिए 150 अगर 3 बार प्लस होता तो 150 इंटू 3 कर देते हैं, अगर 150 4 बार प्लस होता तो 150 इंटू 4 कर देते हैं। अब 150 यहाँ कितनी बार प्लस हुआ, x बार, तो ये हो गया 150x, यानी सिचुएशन 1 में इतना काम कंप्लीट होता, राइट।
अब बारी आती है सिचुएशन टू की. सिचुएशन टू में भी हमें ये टोटल करना है ताकि हमें यहाँ से टोटल काम पता लग सके. अब ये जो सीक्वेंस आपके पास फ्रेम हो रहा है ये एपी फ्रेम हो रहा है क्योंकि हर बार चार का डिक्रीज हो रहा है. तो सम का फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पर, दैट इज एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी. इसमें एन कितना है, एक्स प्लस एट, इतने डेज लग रहे हैं. तो ये फर्स्ट डे में काम हुआ था, इतने लोगों ने काम करा, सेकेंड डे में इतने लोगों ने, थर्ड डे में इतने लोगों ने, और ये एक्स प्लस एट डेज लग गए. तो अगर हम यहाँ पर एन की बात करें तो हो गया एक्स प्लस एट डिवाइडेड बाई टू, टू इन टू ए दैट इज 150. एन कितना है हमारे पास, एक्स प्लस एट माइनस वन, और डी कितना है माइनस फोर. तो यहाँ से भी आपके पास सेम काम कंप्लीट हुआ. यानी यहाँ पर तो प्लस करना बहुत आसान था, 150 150 सेम बार प्लस हो रहा था, तो 150 इनटू एक्स कर दिया. लेकिन यहाँ पर आप एज इट इज नहीं प्लस कर सकते, तो सीक्वेंस का सहारा लेना पड़ा. और ये सीक्वेंस कौन सा बन रहा था आपके पास, एपी. अब इतनी बात हमेशा याद रखिए कि सिचुएशन वन में भी कंस्ट्रक्शन सेम बिल्डिंग की हो रही थी, सिचुएशन टू में भी. तो जो वर्क कंप्लीशन हुआ सिचुएशन वन में और जो सिचुएशन टू में, वो दोनों क्या है, इक्वल है. तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे. तो ये हो गया आपके पास एक्स प्लस एट अपॉन टू, ये हो गया 300 प्लस, ये कितना बचेगा आपके पास, एक्स प्लस सेवन इन टू में माइनस फोर है, इक्वल टू में 150x, क्योंकि ये भी उतना ही बिल्डिंग बनी थी और ये भी उतनी ही बिल्डिंग बनी थी. चाहे सिचुएशन वन हो चाहे सिचुएशन टू हो, वर्क कंप्लीशन जो था वो सेम था, राइट. सिर्फ डेज ज्यादा लग रहे थे. तो दोनों से ही हमने वर्क निकाला है, इससे भी उतना ही काम कंप्लीट हुआ जितना इससे काम कंप्लीट हुआ, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया. अब ये टू आ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बच जाएगा एक्स प्लस एट, ये हो गया 300, माइनस फोर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फोर एक्स माइनस 28 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 300x. नाउ दिस इज एक्स प्लस एट, 300 में से 28 चला गया, ये बचा 272 माइनस 4x इक्वल टू 300x. अब इसे अंदर इंटू कर देते हैं हम लोग, x को इन दोनों से, फिर 8 को इन दोनों से. तो x को करेंगे तो कितना आएगा, 272x माइनस 4x स्क्वायर, फिर प्लस 8 से करेंगे 272 को, तो ये आ जाएगा 2176. 8 को माइनस 4x से करेंगे तो ये आ जाएगा 32x इक्वल टू 300x. आप माइनस फोर एक्स को हम आगे ले लेते हैं, और ये आ गया आपके पास 272x माइनस 32x, और ये माइनस 300x भी इधर आ गया, प्लस 2176 इक्वल टू जीरो. तो ये इक्वेशन बन गई माइनस 4x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 2176 इक्वल टू जीरो. अब इसमें से आप माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, माइनस 4 कॉमन ले जाएंगे और राइट साइड पे जीरो कर देंगे, तो माइनस 4 कॉमन लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 544 इक्वल टू जीरो. ये 4 वहाँ जाके जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 544 इज इक्वल टू जीरो. अब हमें इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, तो 32x माइनस 17x माइनस 54 इक्वल टू जीरो. तो अब ग्रुपिंग करेंगे तो ये आ जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 32, यहाँ से माइनस 17 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 32 इक्वल टू जीरो. तो हमारे पास बन गया x प्लस 32 एक्स माइनस 17 इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 32 और एक आ गई 17. अब देखिए माइनस 32 नहीं हो सकती क्योंकि डेज नेगेटिव नहीं हो सकते. अब x आया 17, ये तब होता जब सिचुएशन वन प्रिवेल करती, लेकिन सिचुएशन वन थोड़ा ना है यहाँ पर, यहाँ पर तो सिचुएशन टू प्रिवेल कर रही है. तो कितने डेज लगेंगे इस टास्क को कंप्लीट करने में, 17 प्लस 8 डेज, यानी इस काम को अब फिलहाल करने में आपको 25 डेज लगेंगे. जो कि पहले अगर लगते, अगर आपके वर्कर सेम रहते, अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी होती और वर्कर छोड़ के नहीं जाते, तो आपको 17 दिन में काम कंप्लीट मिल जाता. तो आई होप अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो तो अपना वैल्यूबल फीडबैक दीजिए, उन्हें शेयर जरूर करिए. थैंक यू सो मच गाइज फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस.